जनपद संभल के चंदौसी में आईएमए के तत्वाधान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। राहगीरों को पैम्पलेट बांटकर कोरोना के लक्षण और बचाव के उपाय बताए, लोगों से एहतियात बरतने पर जोर दिया। जनपद संभल की चंदौसी में आईएमए के तत्वाधान में रैली स्टेशन रोड स्थित डॉक्टर हरीश मदान के क्लिनिक से शुरू होकर फव्वारा चौक पर सम्पन्न हुई। फव्वारा चौक पर राहगीरों को पैम्पलेट बांटे और सुरक्षा के उपाय बताए। हम लोगों ने एक कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सारे मेंबर्स आज यहां पर फव्वारा चौक पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने एक रैली भी निकाली है। लोगों को पैम्फलेट्स भी दिए हैं जिसमें हम लोगों ने कोरोना से कैसे बचा जाए या उससे हम किस तरह से बच सकते हैं उसके बारे में कुछ पेपर्स भी बांटे हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि लोग कोरोना से डरे नहीं और उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस जिन लोगों को खांसी है खास करके, वो लोग जरा अपने खांसते समय या छींकते समय ये ध्यान रखें कि वो अपने मुंह को कवर करें या तो रूमाल से, या अगर उनको मास्क मिल जाता है तो मास्क से, ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रहें और खुद भी जागरूक बने, लोगों को जागरूक बनाए। अपना अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उस पर ध्यान दें। जैसे कुछ भी चीज़ें टच करते हैं तो उसके बाद वो हाथ धोएं, सिंपली आपको साबुन से आप हाथ धो सकते हैं या आपके पास सैनिटाइजर है उसका उपयोग करें और बार बार पानी पीते रहें। और जो भी लोग इस समय खांसी या बुखार या सर्दी से ग्रसित हैं वो एक बार डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। तो ये यहाँ कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए कुछ तरीके लोगों को बताने के लिए आई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं हमारे आईएमए के जितना हमारी टीम ने किया है, भरसक प्रयत्न किया है इस चीज को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर गीता, उप सेक्रेटरी डॉक्टर विदुषी और हमारी सीनियर मैडम, काफी सभी डॉक्टर चंदौसी के यहाँ दिख रहे हैं। तो बस यही, सबको पैम्पलेट बांट रहे हैं। हम लोगों ने 5,000 पैम्पलेट छपवाए हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि आज शाम तक काफी लोगों को बच जाए, जिससे लोगों को कोरोना के संक्रमण के बारे में जानकारी मिल जाए।